हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जो नोमेनक्लेचर चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर, उसमें हम लोग अल्काइन पढ़े थे और साइक्लोएल्कीन पढ़े थे। आज हम लोग अल्काइन से एक हाइड्रोजन निकाल के एल्केनील पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो आज हेडिंग देंगे वो क्या देंगे, एल्केनील, ALKYNYL, एल्केनील। अब एल्केनील आया कहां से, तो एल्केनील बनता है एल्काइन से, ALKYNE। आप लोग मेरे साथ लिखेंगे नहीं है, पहले इसको समझ ले फिर लिखेंगे। आप लोग हम रोक के आप लिख लेंगे या हम हटेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसको समझें। तो यहां पे क्या होता है कि एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और जब इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, CnH2n, और ये जो -2 है और एक निकल गया तो -3 हो जाएगा यहां पे -3। तो जब -3 होता है तो इससे ई निकल जाता है, ये वाला ई निकल गया और इसमें जुट जाता है YL। अब आप ये स्ट्रक्चर इधर लिख लें, या आप ये जो लिखेंगे इधर क्या हो जाएगा, ALKYNYL, एल्कीनील। और एल्कीनील का जनरल फॉर्मूला हो गया ये, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया ये। तो क्या हुआ, यानी एल्काइन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर गया तो बन गया एल्कीनील। तो यहां पे हम लोग पहला क्या लिखेंगे, रिमूविंग ऑफ वन हाइड्रोजन एटम from alkyne, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम alkyne, यानी एक हाइड्रोजन एटम किससे निकलेगा, YNE, alkyne से निकलेगा। तो क्या आ जाएगा, alkyne, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपको मालूम चल गया है जनरल फॉर्मूला क्या होगा। देखिए ये होगा CnH2n-3, यानी इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। अब आपको बताया है इसका फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा, फर्स्ट मेंबर जो इसका होगा, तो दो कार्बन यानी इथ। अब आप देखें यहां पे इथेनिल हो गया, तो अब आप यहां पे क्या चेक करेंगे, देखें एल्काइन से एल्किनिल कैसे बना, तो ये एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये एल्किनिल बना। अब इसका हम लोग एग्जांपल चलेंगे, एग्जांपल पहले एक समझते हैं, इधर देखते हैं, जगह नहीं है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मेरे साथ उतार लें, फिर हम इसका एग्जांपल चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, हम उतारते हैं, हटाते हैं, मिटाते हैं, ले लिए होंगे। अब देखें यहां पे आप एग्जांपल देखें, पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप, C2H कितना, आप देखें अगर यहां पे दो रखते हैं तो ये भी दो हो जाएगा, तो 2 × 2 कितना, 4 में से 3 के 1 ना हो जाएगा, यानी अब ये निकला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनिल इसका नाम। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप देखें C(CCC) और इधर वाला हाइड्रोजन इसका निकल गया। अब दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरा अगर C3 है तो H कितना होगा, H3, तो यहां पे अगर 3 करेंगे आप देखें तो 6 में से 3 का कितना हो जाएगा, 3, और एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो जब यहां से 3 और ये 3 एक हाइड्रोजन निकला तो इसका नाम क्या हो गया, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, YNYL, प्रोपेनिल। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो C(CCC), यानी इधर H, ये इधर कंप्लीट है, इधर कंप्लीट है, और ये वाला हाइड्रोजन निकला। अब इसको हम हटाते हैं,
आप एग्जांपल करते चलें, देखिए एग्जांपल ये फॉर्मूला है इसलिए रख रहे हैं कि आपको समझ में आए, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे और कुछ देखें, जैसे अगला एग्जांपल C4, तो H कितना, अगर यहाँ पे चार रखेंगे तो आठ हो जाएगा, और आठ में से तीन निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और इसका नाम हो जाएगा 5, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनिल, ब्यूटेनिल। और स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, सी, ट्रिपल बॉन्ड सी तो होगा, और यहां सी फिर सी। अब आप देखें ये हो गया एच, यहां पे एच टू फोर वन फाइव हो गया ये। एक और एग्जांपल सिक्स तक कम से कम तो करे, या फाइव तक, यहां पे अगर फाइव हुआ तो ये क्या हो जाएगा, फाइव यहां पे रखेंगे तो फाइव इंटू टू टेन, टेन में से थ्री निकला कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनिल, हेक्सेनिल। और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां पे देखे एच, ये एच, और यहां पे फाइव कर लें एच एच, और यहां पे एच, और ये हो गया आपका एच, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, तो ये हो गया आपका एल्केनिल। एल्केनिल का एग्जांपल हो गया, आप एग्जांपल लिख लें, इसके आगे भी 10 तक आप लोग कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, बस समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया तो हो गया, अब ये 10 तक कर लेंगे आप लोग कॉपी में अपने, हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दिख रहा होगा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके आगे, हटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो एल्काइन, अभी तक हम लोग पढ़े थे एल्केन, एल्कीन, और सबका साइक्लो कंपाउंड भी हम लोग स्टडी करते चल रहे हैं साथ ही साथ, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे साइक्लो, साइक्लो अल्काइन, ALKYNE। आप इसको इस टर्म को देखें और इस टर्म को देखें, यानी साइक्लो अल्काइन, साइक्लो अल्काइन क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड होगा, और अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो साइक्लिक और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा, तो आप बस इसको समझें। तो अनसैचुरेटेड था, तो इट इज अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन Containing triple bond between two carbon atom, यानी जब दो कार्बन एटम के बीच में क्या रहे, आप बस इसको देखें, दो कार्बन एटम के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड रहे और वो साइक्लिक कंपाउंड हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोएल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला आप देखें, जनरल फॉर्मूला इसका आप चेक करें, यहां पर CnH2n-4। एल्काइन का क्या होता था, CnH2n-2 सिर्फ एल्काइन का, लेकिन साइक्लो लगने के कारण कितना -4, और इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो, फर्स्ट मेंबर क्या हो, तो फर्स्ट मेंबर होगा साइक्लो, और तीन कार्बन तो प्रो और YNE, साइक्लो प्रोपाइन, फर्स्ट मेंबर हो गया साइक्लो प्रोपाइन। एग्जांपल देखें और एग्जांपल से समझें, एग्जाम्पल से देखें, तो पहला एग्जाम्पल जो हो गया वो हो गया आपका C3 और H बैठाएं, यहां पे C3 हुआ तो यहां भी 3 होगा, 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2, और 2 हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपाइन, और साइक्लो प्रोपाइन हुआ तो इसका स्ट्रक्चर अब आप देखें इधर, तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा आपको समझाते हैं।
पहला तो थ्री कार्बन ले ले आप, यहां पे थ्री कार्बन और कितना ट्रिपल बॉन्ड, तो इस कार्बन का तो वैलेंसी कंप्लीट हो गया 1 2 3 4, इस कार्बन का वैलेंसी 1 2 3 4, इसका एच और हो गया। अच्छा, और करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड है हो गया, यानी ट्रिपल बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के बीच में, ये और ये कार्बन, यानी तीन कार्बन हो गया। आप देखें नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर कितना 2। यहाँ पे आप समझे, अगर अगर यहाँ पे C4 हो गया तो H कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखे C4 हो गया तो H 8 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइन, इसका नाम साइक्लोब्यूटाइन हो गया। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो आप देखे C और यहाँ पे C और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको देखे यहाँ, इसका वैलेंसी कंप्लीट 4, इसका भी वैलेंसी 4, इसका कितना कंप्लीट है 2, तो 2 और कंप्लीट हो जाएगा, ये हो गया। इसका कितना कंप्लीट है 1 1 2, तो इसका भी हो जाएगा कितना 4, और ये हो गया आपका कितना साइक्लोब्यूटाइन। या और करके ऐसे आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं बाहर या अंदर। अब ये नहीं कि यहाँ एक डबल बॉन्ड और एक यहाँ डबल बॉन्ड तो ट्रिपल, ये गलत हो जाएगा, ये गलत सही नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ और यहाँ एक ही के पास तीन बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में देना है। तो आप इसको उतार ले, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग चलेंगे, आप इसका स्क्रीन शॉट ले, हम हटते हैं, या मेरे साथ आप लोग उतार रहे हैं तो अच्छी बात है, इसको लिखे हम हटते हैं। अब आप इसको आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल हटाते हैं, देखें आप इसको, अब आप लोग लिखे इसको नेक्स्ट C5 चलेंगे हम लोग, C5 एग्जाम्पल देखें हम लोग, एग्जाम्पल में C5, तो C5 तो H कितना हो जाएगा, 10 से 4 निकल गया कितना 6, और इसका नाम हो गया आपको साइक्लोपेंटाइन। अब इसका स्ट्रक्चर देखें C और यहां भी C ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये नहीं समझे कि हम यहां दे रहे हैं तो यही ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं और नहीं होगा, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। इसका वैलेंसी दोनों का कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका भी देखे कंप्लीट, इसका भी देखे कंप्लीट। एक और C6 और H कितना हो जाएगा, 12 से 4 निकल गया तो 8 हो जाएगा ना, और इसका हो जाएगा साइक्लोहेक्साइन, और साइक्लोहेक्साइन तो आप 6 कार्बन बना दें, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको और करके ऐसे भी कर लें, साइक्लोहेक्साइन, अब ये कर ले आप, अब यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं, और कितना कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको साइक्लोहेक्साइन। नेक्स्ट होगा साइक्लोहेप्टाइन और साइक्लोऑक्टाइन। तो ये था जो फंक्शनल ग्रुप पे कुछ आधारित था, ये क्या था अभी फंक्शनल ग्रुप पे आधारित मेन वाला, जैसे अल्कोहल एसिड ये सब हम लोग आगे चलेंगे, ये कुछ आधारित थे एल्केन, जो नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो थे ये साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्काइन साइक्लोएल्कीन साइक्लोएल्कीन, तो ये एल्कीन और साइक्लोएल्कीन, अल्काइन और साइक्लोएल्काइन, उससे एक हाइड्रोजन रिमूव करके, तो ये हम लोग चले, ये छोटा सा क्लास था तो ये समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो चलेंगे रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी सारे टाइप्स के फॉर्मूला चलेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग करके हम लोग चलेंगे। तब तो ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन दबा दें। जय हिंद।